पूरे देश में सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। माना जा रहा है इस साल कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि बीते 2 साल कोरोना काल था जिसके चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन इस साल कोरोना काल न होने के चलते ऐसे में बाजारों में केसरिया अपना रंग जमाने लगा है। प्रयागराज में कांवड़ियों में उत्साह भरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो युक्त टी शर्ट अभी से ही खूब बिक रही हैं। भोले शंकर की फोटो के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगी हुई है। टी शर्ट के सामने की तरफ भोले शंकर की तस्वीर तो पीठ पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लगाया गया है। कई टी शर्ट में योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में जैसे प्रेरक स्लोगन लिखे हुए हैं और तिरंगे के प्रतीक में टी शर्ट लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। शहर के दारागंज समेत कई बाजारों में मोदी योगी के ब्रांड वाले केसरिया टी शर्ट दुकानों पर बिक रही हैं। दुकानदार आनंद के मुताबिक इस बार भगवान शिव की टी शर्ट के साथ साथ योगी मोदी टी शर्ट की भी बिक्री जोरों पर है। दुकानदार ने बताया कि 2 साल के बाद कोरोना काल खत्म होने के चलते इस बार सावन से जुड़े सामानों की बिक्री में काफी इजाफा हो रहा है। शिव भक्त पिछले कई दिनों से सावन महीने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जमकर के खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार आनंद जायसवाल ने बताया कि 2020-21 में सावन के बाजारों में बिक्री ना के बराबर थी, लेकिन इस साल जुलाई महीने की शुरुआत से ही भारी संख्या में शिव भक्तिया कहें कि कांवड़िए खरीदारी कर रहे हैं। मोदी योगी ब्रांड वाली टी शर्ट दुकानों में 150 रुपए की बिक रही है। 2 साल से जो कोरोना काल चला था उससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया और इस साल कोरोना काल ख़त्म है और 100 दिन पूरे हो गए हैं मोदी और योगी की सरकार के, इसलिए लोग उत्साहित होकर के आ रहे हमारे पास और सावन शुरू हुआ नहीं अभी, पहले से ही ये शुरुआत इनकी जो डिमांड बढ़ गई है और इसको इतना लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरह तो शंकर जी भोलेनाथ बाबा पहले लेते थे, लेकिन अब की दोहरा मोदी और योगी जी छप जाने की वजह से दोहरी खुशी हो गई है लोगों को और ज़्यादा इस पर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस रेट क्या रखे गए हैं? बहुत कम कीमत है इसका, 150 रुपये कीमत है, मामूली कीमत है। जो पहले जो 150 था आज भी वही 150 चल रहा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है, इसकी पसंद इतनी है कि इसको एक बार लाए थे बिक गया है और दोबारा फिर हम लाए हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है भाई? तो 2 साल तक तो हम लोग नहीं निकाल पाए किसी कारणों से, लेकिन अब जब से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस बार से पूरी जोर शोर से आप लोग ये कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, तो हम लोग को ये दोहरी खुशी की बात है। और हाँ, इस बार जो ये टी शर्ट आई हुई है, देखिए आप लोग देख रहे हैं योगी मोदी की, पीछे बोलबम का है, तो हम लोग पहले तो भोले बाबा की टी शर्ट पहनते थे, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें हैं। तो चूंकि पूरे देश में योगी मोदी का डंका बज रहा है, इसलिए हम लोग इस टी शर्ट को ज़्यादा पसंद रहे। हमारे ग्रुप के 150-150 लोग हैं, अभी ये टी शर्ट ले जाकर हमको दिखाएंगे ग्रुप में। तो चूंकि इनके पास हम गंगा स्नान करने आए थे, इनका पूरा बाजार देखा, हम बहुत आकर्षित हुए, हम देखकर बहुत खुश हुआ, तो ये टी शर्ट मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये टी शर्ट और ये गमछा खरीद रहा हूँ। उधर शिव भक्तों कहना है कि वो बेसब्री से सावन महीने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से वो कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल वो कांवड़ यात्रा भी करेंगे और प्रदेश के अलग अलग शिव मंदिरों में भी जाएंगे। शिव भक्तों का कहना है कि योगी सरकार ने अपने 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और बीते 5 सालों से योगी जी ने प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसके चलते वो योगी मोदी की टी शर्ट को पसंद कर रहे हैं और अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं। इतना ज्यादा उत्साह है आम जनता में भी और कांवड़ियों के अंदर भी, इतनी उत्साह जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी के उसमें इतना ज़्यादा उत्साह है कि जिस समय बाजार में घुसो वहाँ पर देखने को मिलती है अनेक प्रकार के रंग बिरंगे हमारे कुर्ते हैं, बनियाइन हैं, जिसमें मोदी जी योगी जी, योगी जी मोदी जी, जिधर देखो दुकानों के उसमें टंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बड़े उत्साह से उन लोग खरीद कर उसको पहनकर गंगा स्नान करके कांवड़िया के रूप में और जहाँ जहाँ जल उनको चढ़ाना है, चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे बरला महादेव हो, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और जाके जल चढ़ा रहे हैं। यही उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़े धूमधाम से डीजे बाजा गाजा नाचते गाने सबके साथ में सबसे ज़्यादा खुशी प्रयागराज को है, जो 2 साल से कोरोना के वजह से यह बंद था, लेकिन इस बार उस कोरोना के को देखते हुए और उत्साह के साथ साथ सबसे ज़्यादा योगी और मोदी जी जो सावन में सबसे ज़्यादा वही नज़र आएंगे, जिधर से गुजरेंगे आप वही देखने को मिलेंगे और उसी से डुबकी लगा के वो हर हर महादेव कहते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी।